स्टूडेंट क्लास फोर, आई होप यू ऑल आर वेल। नाउ क्लास नोट्स रिवीजन चैप्टर पार्ट थ्री, क्वेश्चन नंबर 11, राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको संख्या लिखनी है। डिसेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते से घटते क्रम की तरफ। तो अब यहाँ दे रखे हैं 2678 1258 3246 2899 3900। तो इसमें हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या है 3900, देन 3246, देन 2899, फिर 2678 और 1258। तो 3900 यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है, उसके बाद 3246 आएगा, फिर 2899 है, फिर 2678 और फिर सबसे छोटी संख्या आ गई 1258, यानी 128। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब यहाँ पर जो हमको संख्या दी गई है उसका हमको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। यहाँ क्या दे रखी है, 4623। तो हम अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू पे देखें तो 3 जो है वो 1s की प्लेस पे, 2 जो है वो 10s की प्लेस पे, 6 जो है वो 100 की प्लेस पे है और 4 जो है वो 1000 की प्लेस पे है। तो ये बनता है 4623। तो इसको हम लिखेंगे 400 प्लस 600 प्लस 20 प्लस 3, यानी 4623, है ना। इस तरीके से एक्सपांडेड फॉर्म को लिखा जाता है। नाइन, राइट इन शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट इन शॉर्ट फॉर्म, यानी इसको एक्सपांड रूप में लिखा हुआ है, 4000 प्लस 200 प्लस 70 प्लस 8। तो हम इसको लिखेंगे 4278, ये हमारा बन जाता है 4278। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एट द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऐड करेंगे, अब इसमें 325 2250 और 3825 को हमको प्लस करना है। तो फर्स्ट 5 और 0 5 5 और 5 10, तो 10 का हम 0 यहाँ लिखेंगे और 1 कैरी ओवर देंगे। 5 and 2 6 7, 7 and 2 8 9, 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9 में 1 प्लस करेंगे तो 10, 10 का 0 अगेन कैरी 1। 3 and 2 5 5 and 8 13, 13 and 1 14, 14 का 1 एंड कैरी 1। 3 and 2 5 5 and 1 6, तो इन सबको हम प्लस करते हैं तो आंसर आता है 6400। अब नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट करना है। 6 में से 9 नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 6 छोटी संख्या और 9 बड़ी संख्या है। तो हम इसको क्या करेंगे, इधर से लेके इसको 16 बनाएंगे। 16 में से 9 गए तो कितने बचे, 7, ठीक है। अब हमने एक दिया था तो एक लेंगे तो ये बन जाएगा 17। 17 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8, ठीक है। अब इधर भी हमने एक दिया तो इससे एक लेंगे तो ये 1 बन जाएगा। 1 में से 0 जाएगा तो 1, फिर 7 में से 6 गया तो भी 1। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करके करते हैं तो आता है 1187। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय हाउ मच 728 इज ग्रेटर देन 2850, यानी 7285 जो 83 जो है वो 2850 से कैसे बड़ा है। तो अब इस पे कैसे पता करेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग बोथ द नंबर वी विल नो दैट बाय हाउ मच 7283 इज ग्रेटर। सो 3 माइनस 0 3, 8 माइनस 5, 8 में से 5 जाएंगे तो 3 बचेगा। अब 2 में से 8 नहीं जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये बड़ी छोटी संख्या है। 8 बड़ी संख्या है और 2 छोटी, तो हम एक इधर से लेके इसको 12 बनाएंगे।
12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचेगा। अब 7 में से एक दिया था 7 से हमने, तो इससे लेकर इसको 6 बनाएंगे, तो 6 में से 2 गया तो 4। सो बाय 443 नंबर 7283 इज ग्रेटर, यानी 4433 यानी 4433 संख्या से 7283 बड़ी संख्या है। थैंक यू।